हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुबह का टाइम है, सूरज निकल चुका है, हल्का हल्का सा धुआं जैसा छा रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। और सुबह सुबह सबसे पहले मैं देख रही हूँ खिले हुए फूल। बहुत ही अच्छे आज इस गुड़हल पर दो फूल खिले हैं। कितना प्यारा कलर है ना इसका। और बोगनविला पर भी फूल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सदाबहार पर भी अच्छे फूल आए हैं आज। कल वाले फूल को हटा दूंगी मैं और आज पिंक वाले गुड़हल पर भी दो फूल खिले हैं। अभी ये खिले नहीं हैं, थोड़ा लेट खिलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फूल खिलता है इसका। दोस्तों देखिए, ये वही मिर्च का पौधा है जिसको मैंने ऊपर से हल्का सा तोड़ा था। 1G कटिंग की है अभी इसकी। और देखिए, इसमें चार ब्रांच आ गई हैं, दो नीचे से, दो ऊपर से। कितना घना हो गया ये पौधा। तो अभी तो एक बार इसको करा है, अगर हम 3G कटिंग पूरी कर लें इस पर मिर्च के पौधे पर, तो एक ही पौधे से हम इतनी मिर्च पा सकते हैं। देखिए, ये पौधा ऐसा था जब मैंने इसको ऊपर से तोड़ा था, बहुत ही हल्का, सिर्फ एक ही ब्रांच थी। और अगर ऐसे ही रहता तो बस सीधा सीधा बड़ा होता रहता। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद अभी लगभग 10 या 15 दिन हुए होंगे, 10-15 दिन में ही इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई। एक ही पौधे से ज़्यादा सब्जी पाने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर हम 3G कटिंग पूरी कर लें किसी भी पौधे पर, तो बहुत ज़्यादा सब्जी आती है। लेकिन अगर आप 3G तक ना भी करना चाहें, एक बार ही पौधे को तोड़ लें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा घना पौधा हो जाता है, और दो बार में और भी ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा हम सब्जियाँ एक ही पौधे से ले सकते हैं। देखिए, एग्सोरा पर बहुत ही सुंदर फूल आने वाले हैं। तो सुबह का बहुत ही अच्छा व्यू लगता है यहाँ से। सुबह सुबह की धूप आती है और बाहर आजकल बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, हल्का हल्का सा फॉग सा छाया रहता है। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं सुबह सुबह ही सारे पौधों में पानी दे दूंगी, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है और जो भी बेल वाले प्लांट्स हैं उनमें तो सुबह ही पानी देना पड़ता है। तो जल्दी से सब में पानी दे देती हूँ। सुबह का ये टाइम मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। पता ही नहीं चलता है कितनी देर हो गई है। सुबह को आधा पौन घंटा अगर मैं पौधों के साथ रह लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा मुझे पूरे दिन लगता है। देखिए दोस्तों, सुबह ये फूल खिले नहीं थे, अभी खिल चुके हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो ये फूल खिलते जाते हैं। बहुत ही बड़ा और सुंदर फूल खिलता है इस पर। तो दोनों फूल खिल गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। Thank you.
दोस्तों देखिए, वर्बीना को मैंने बीज से ग्रो किया था। इस पर पहला फूल आ जाया है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का ये निकला है। देखिए, हमारी अपराजिता पर भी सुंदर सा फूल खिला हुआ है। देखिए दोस्तों, मेरा धनिया भी ग्रो होना शुरू हो गया है। इसको पूरे 20 से 25 दिन हो गए हैं, अब ये ग्रो होना शुरू हुआ है। तो ऐसा लगता है 20-25 दिन हो जाते हैं जबकि पता नहीं धनिया उगेगा या नहीं, पर धनिया उगने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने इसको कोई भिगोया नहीं था पहले, ऐसे ही डायरेक्ट ग्रो किया है, तो टाइम लगता है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं। दूसरे वाले में तो अभी भी कम निकला है, बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं पौधे। दोस्तों अभी हो गई है रात, और रात को देखिए चांद भी दिख रहा है बहुत ही सुंदर बालकनी से। और रात में गुड़हल के फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं आपको दिखाती हूँ। रात में ये जो पिंक वाला गुड़हल है और भी ज़्यादा बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। दूसरे वाला जो गुड़हल खिला हुआ था वो बिल्कुल मुरझा चुका है शाम होते ही, लेकिन ये काफ़ी रात तक ऐसे ही खिला रहता है। तो दोस्तों ये था गार्डन का आज का अपडेट। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, जय सियाराम।